हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या देखा था, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको वो डेफिनेशन पूरी अच्छे से क्लियर होगी होगी कि जब भी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना हो किसी मैपिंग को, तो हम किन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के ही, कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। सो डैट आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले एग्जांपल की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास फंक्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पास फर्स्ट पार्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, टी आपके पास मैपिंग है R3 से लेके R3 पर, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स और माइनस जेड। ये देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे। अब देखो, एलिमेंट्स कैसे लेंगे, डोमेन के अंदर से लेंगे। डोमेन के अंदर आपके पास एलिमेंट हैं किस तरीके के, R3 के ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। तो हम जो एलिमेंट लेट करेंगे वो भी ट्रिपलेट की फॉर्म में ही करेंगे, क्योंकि हमें अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए यू वी दो एलिमेंट चाहिए। तभी तो हम टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी दिखाएंगे। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ एक बार कि कौन से दो कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करके दिखानी होंगी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है तो। ठीक है, अभी तो आप एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से अगर कर लेंगे तब तो ये आपको जो कंडीशंस हैं अपने आप ही टिप्स पर हो जाएंगी, आपको बार बार इन्हें रिमाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो यूज़ होगा ही होगा। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। अब u और v हम इसमें से कौन से लेते थे, फॉर ऑल u v बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस क्या है R3, फॉर ऑल u बिलोंग टू R3 और a बिलोंग टू फील्ड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको दो एलिमेंट लोगे आप, u और v। ठीक है, हमने क्या ले लिया, लेट u को हमने ले लिया x1 y1 z1 और v को हमने क्या ले लिया X2, Y2 और Z2। ठीक है, क्लियर। अब दोनों ही आप चेक कर सकते हो, ये भी R3 का है, बिलोंग टू R3, और ये भी R3 के अंदर से ही है, क्योंकि आपके पास डोमेन भी R3 है और को डोमेन भी R3 है, ये भी R3 और ये भी R3। तो हमने डोमेन का जो एलिमेंट खुद से लेट किया है वो क्या किया है, R3 से। ठीक है, अब टी ऑफ यू निकालेंगे। टी ऑफ यू का मतलब क्या है, टी ऑफ X1 Y1 Z1। ध्यान से देखो, ये वाली जो है हमारे पास मैपिंग किस तरीके से डिफाइन है, टी ऑफ X1 Y1 Z1 किस तरीके से खुल के आएगा वो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा वाई वाला एलिमेंट, यहाँ पर वाई वाला एलिमेंट क्या है, Y1। फिर आएगा नेगेटिव ऑफ X, यानी कि नेगेटिव ऑफ X1। फिर आएगा नेगेटिव ऑफ z, यानी कि नेगेटिव ऑफ z1। ठीक है, अगला है टी ऑफ v, यानी कि टी ऑफ x2 y2 z2। अभी तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, जस्ट वैल्यू पुट की है। वैल्यू किसकी पुट की है, v की। v हमने क्या लेट कर रखा था, x2 y2 और z2। ठीक है, अब सेम एल्गोरिथम लगाएंगे जो पहले लगाया है। ये आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपके पास फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, इसी को जस्ट आपको यहाँ पर पुट करना है। सबसे पहले वाई वाला एलिमेंट यहाँ पर क्या है, Y2। पर नेगेटिव ऑफ एक्स वाला एलिमेंट, यानी कि देखो यहाँ पर एक्स वाले प्लेस पर, वहाँ पर एक्स था और यहाँ पर X2 है, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ X2 आएगा और फिर नेगेटिव ऑफ Z2। ठीक है, अभी हमने टी ऑफ यू और टी ऑफ वी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें देखो ये चीज़ प्रूफ करने के लिए टी ऑफ यू प्लस वी की वैल्यू भी चाहिए।
ठीक है, तो क्योंकि हमें टी ऑफ यू प्लस वी की वैल्यू भी चाहिए तो हम एक बार यहाँ पर टी ऑफ यू प्लस वी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं टी ऑफ यू प्लस वी की वैल्यू। टी ऑफ यू प्लस वी निकालने से पहले मैं क्या निकालना प्रेफर करूँगी, यू प्लस वी। ठीक है, यू प्लस वी क्या आएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू, वाई वन प्लस वाई टू, जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है, और टी ऑफ यू प्लस वी क्या आएगा, देखो टी ऑफ पूरे यू प्लस वी की मैंने वैल्यू पुट कर दी, एक्स वन प्लस एक्स टू, सॉरी कॉमा आएगा बीच में, वाई वन प्लस वाई टू, जेड वन प्लस जेड टू। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वही एल्गोरिथम लगाना है, पहले वाई वाला एलिमेंट दैट इज वाई वन प्लस वाई टू, फिर नेगेटिव ऑफ एक्स यानी कि नेगेटिव ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, देन नेगेटिव ऑफ जेड वन प्लस जेड टू। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पर मैंने अंदर ले ही गई मैं इस सिंबल को। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब इसके बाद आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए टी ऑफ यू प्लस वी को क्या दिखाना होगा, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के इक्वल। इसी चीज़ को मैं अगर यहीं पर ही दिखाने की कोशिश करूँ, देखो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकती हूँ इसको y1 नेगेटिव ऑफ x1 नेगेटिव ऑफ z1 प्लस y2 नेगेटिव ऑफ x2 नेगेटिव ऑफ z2, क्योंकि देखो इनको ऐड करने के बाद यही चीज़ आ रही है। और नॉर्मली भी हम देखो u प्लस uv है और प्लस में a b है, तो इसको ऐड कर सकते हैं u प्लस a कोमा वी प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी ये तो एलिमेंट्स मैंने आर टू के लेकर दिखाया, अभी आर थ्री के हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी क्या है, टी ऑफ यू, और ये चीज़ हमारे पास क्या है, टी ऑफ वी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, सेटिस्फाई। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आपको स्केलर चाहिए, स्केलर कहाँ से लोगे, फील्ड में, फील्ड क्या है आपके पास, आर। ठीक है, तो हमने कोई स्केलर ले लिया ए, दैट बिलोंग्स टू द फील्ड आर। ठीक है, अब आपके पास हमें टी ऑफ ए यू निकालना होगा, टी ऑफ ए यू निकालने का मतलब क्या है, यू क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन, टी ऑफ ए यू का मतलब टी ऑफ ए एक्स वन ए वाई वन और ए जेड वन। ठीक है, अब एल्गोरिथम वही लगाना है आपको, जो आपके पास फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन है वही चीज़ यूज़ करनी है। कैसे, टी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको इस तरीके से ही सब्सिट्यूट करनी है। ठीक है, चलो क्या पुट करना था हमें, पहले वाई वाला, फिर नेगेटिव ऑफ एक्स, देन नेगेटिव ऑफ Z। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, अब देखो यहाँ पर आप सारों के अंदर से A कॉमन ले सकते हो, A जैसे ही आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया, A Y1 नेगेटिव ऑफ X1 और नेगेटिव ऑफ Z1, और ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है T of U की। ऑलरेडी आपने T of U की वैल्यू निकाल रखी है, चेक भी कर सकते हो, आपकी T of U की वैल्यू हमारे पास यही थी, तो ये हमारे पास आ गई टी ऑफ यू की वैल्यू। सो हम क्या कह सकते हैं कि टी हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये था आपके पास पार्ट वन, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आपने पहले यू वी एज्यूम किए, टी ऑफ यू निकाला, टी ऑफ वी निकाला, टी ऑफ यू प्लस वी निकाला, और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, आपके बुक के अंदर इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा अगर कहीं पर आप अटकते भी हो तो। बाकी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से ये क्वेश्चन होगा, अगर आपको फिर भी इस पार्ट के अंदर कोई डाउट हो तो मैं अपने फर्दर वीडियोज़ के अंदर क्लियर कर दूँगी, वैसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके करा दिया, सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अब एक चीज़ जो आपको सेकंड पार्ट के अंदर ध्यान रखनी है वो क्या है, कि इस बार फंक्शन डिफाइन है R3 से R2 पर,
तो आपके पास जो एलिमेंट्स टी ऑफ यू, मान लो आपने यू कुछ पुट किया, यू तो आप क्या लोगे, ट्रिपलेट की फॉर्म में ही लोगे, आर थ्री का ही लोगे, टी ऑफ यू जो आएगा आपके पास वो आर टू का आएगा। आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पर भी, ये जो किस तरीके से डिफाइन है, 2x-3y और 7y+2z, ठीक है, आर टू का ही एलिमेंट है ना ये भी। यहाँ पर तो 2, 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ही हैं सिर्फ, तो ये हमारे पास आर टू का ही एलिमेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर दोनों में आर थ्री नहीं है, एक बार आर थ्री है और एक बार आर टू है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की आपके पास स्टेटमेंट है, शो दैट द फंक्शन फ्रॉम टी आर थ्री टू आर टी सच दैट आर थ्री टू आर डिफाइंड बाई टी ऑफ x1, x2, x3 इज इक्वल टू x1² + x2² + x3² इज नॉट अ एलटी। आपको दिखाना है कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन रही। हम आपको ऑलरेडी फिफ्थ सेमेस्टर में जब हम थ्योरम्स करते थे तो मैंने आपको काफ़ी बार ये बात बता रखी है कि जब भी हमें किसी चीज़ को ट्रू दिखाना होता है तो हमें उसका प्रूफ करना होता है। यानी कि आपको अगर किसी चीज़ को दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी पड़ेगी। बट अगर आपको ये चीज़ दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन रही तो जस्ट एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। अब यहाँ पर अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ पाए जहाँ से हम ये कह सकें कि ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करे तो हम ये कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल ढूंढेंगे सर। अभी मैं आपको इस पूरे एग्जाम्पल्स के बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आपको एक सेकंड में क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखकर ही पता चल जाता है कि ये एलटी बनने वाला है या नहीं। बट पहले आपको ये सारा एग्जाम्पल्स करो सो डैट आपको दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हम उस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बीएससी के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, आपको पूरा सॉल्व करके ही देखना होगा। बट हाँ, शॉर्ट ट्रिक से पता चल जाता है कि हमारा जो आंसर आया है वो ठीक भी आया है या नहीं आया। ठीक है, अब देखो आपके पास इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, हमें क्या दिखाना है इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं ये चीज़ हमें चेक करनी है। ठीक है, तो अब देखो मैंने कोई एलिमेंट चाहिए मुझे यू और वी। ठीक है, जैसे कि हम पहले के क्वेश्चंस में लेते हैं ना यू और वी, उसके बाद हम चेक करके बताएंगे कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो कुछ भी आप एलिमेंट्स ले लो। मान लो मैंने u ले लिया 1, 1, 0 और v ले लिया मैंने 1, 0, 0। कोई और भी आप एलिमेंट ले सकते हो। देखो एलिमेंट माइंड में आएगा कैसे कौन सा लेना है, यहाँ पर देखो स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको ऐसा एलिमेंट लेना है जिसमें अगर यहाँ पे आपने नॉन जीरो पुट किया तो कॉरस्पॉन्डिंग में भी नॉन जीरो पुट करना है, बाकी आप कुछ भी ले लो। ठीक, तभी तो वो स्क्वायर होके ऐड होंगे, बट वहाँ पर स्टिल वन ही रह जाएगा। जब हम यू प्लस वी करेंगे तो वहाँ पर टू बन जाएगा, टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट टी ऑफ यू और टी ऑफ वी के अंदर एज इट इज़ 1 ही रहेगा। तो वही चीज़ अभी मैं आपको करके बताऊँगी। टी ऑफ यू देखो आपके पास क्या आएगा, टी ऑफ 1, 1, 0 आपके पास क्या आ रहा है, 1² + 1² + 0 डैट इज 2। टी ऑफ वी आपके पास क्या आएगा, टी ऑफ 1, 0, 0 डैट इज 1। टी ऑफ यू प्लस वी आपके पास क्या आएगा, टी ऑफ 2, 1, 0 डैट इज 2² + 1² + 1 डैट इज 5। ठीक, अब बताओ यहाँ पर समझ आई आपको ये बात कि यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 रहा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, बट जब इनको ऐड किया तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो पहले वाला एलिमेंट ही मैच नहीं किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टी ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। सो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो नॉट एलटी। ठीक है,
ये एलिमेंट्स लेने बहुत आसान है, आपको जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाओगे ये चीज़ और क्लियर होती जाएगी माइंड में कि किस तरीके से आपको एलिमेंट लेना है, कौन से एग्जांपल में आप कौन सा एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, वैसे भी देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पर तो लीनियरिटी की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान से देखी हो तो क्या ये लीनियर है? नहीं, यहाँ पर तो स्क्वेयरिंग वाली टर्म्स भी आ गई। तो ये चीज़ भी हमारे माइंड में एक आ गई कि अगर हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है तो पहली तो बात यही है कि हमें चेक करना होगा कि वो लीनियर है भी या नहीं है। ठीक है, इसकी जगह 2x आ जाता, 4x कुछ भी आ जाता तो ये लीनियर बन जाता। लेकिन यहाँ पर तो तीनों टर्म्स में ही स्क्वेयर है तो ऐसा नहीं होगा, तीनों ही टर्म्स लीनियर होने चाहिए, जितने ही भी टर्म्स है सारे के सारे लीनियर होने चाहिए तभी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, पहली टिप तो यही थी वो शॉर्ट ट्रैक की, सेकेंड मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मोड आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और वो एलटी बनेगा भी या नहीं बनेगा। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, शो राइट द मैप टी फ्रॉम R3 टू R2 डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स मोड वाई माइनस जेड इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास ये मैपिंग कहाँ से कहाँ पर है? R3 टू R2। ठीक है, और किस तरीके से है? टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स मोड और वाई माइनस जेड। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या लेना है डोमेन के अंदर से? दो एलिमेंट्स, तो वही चीज़ यू हमने क्या ले लिया, ट्रिपलेट की फॉर्म में लेना है, डेट इज़ R3 के अंदर से लेना है। यू हमने इस तरीके से ले लिया और वी हमने X2 Y2 और Z2 टाइप का ले लिया। ठीक है, टी ऑफ यू निकालेंगे। सबसे पहले टी ऑफ यू क्या आएगा? पहले एलिमेंट का मोड, डेट इज़ X1 का मोड, सेकेंड एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट। ठीक है, यही आएगा ना। अभी वी के केस में मैं आपको थोड़ा इसको जैसे हम पहले करते थे ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख कर दिखा दूंगी। ठीक है, यू आपको क्लियर हुआ, ऐसे ही टी ऑफ वी, ये चीज़ आप इसमें भी करना है यू के अंदर भी, बट आपको क्वेश्चंस कर लिए आपने दो तीन तो ये चीज़ क्लियर होगी होगी। ठीक, हम लिखते हैं ना, पहले वी की वैल्यू पुट करते हैं देन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, डेट इज़ पहले एलिमेंट का मोड, सेकेंड एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट। ठीक है, हुआ क्लियर? इस तरीके से आपको टी ऑफ यू और टी ऑफ वी निकालने हैं। ठीक है, अब अगेन हम यू प्लस वी निकाल लेंगे। ठीक है, टी ऑफ यू प्लस वी किस तरीके से आएगा? टी ऑफ X1 प्लस X2, पहले तो मैं अंदर यू प्लस वी की वैल्यू लिख रही हूँ, ये यू है मेरे पास, ये वी है। अगला Y1 प्लस Y2, Z1 प्लस Z2। ठीक है, X1 प्लस X2, Y1 प्लस Y2, सेकेंड एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट, ये आएगा। ठीक, अब देखो आपके पास क्या ये चीज़ कभी इक्वल होगी? देखो सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट तो इक्वल आ जाएगा, बट क्या यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू टी ऑफ वी? पहला पहला कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर, क्या कभी आपके पास X1 प्लस X2 का मोड X1 प्लस X2 के इक्वल आ पाएगा? वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के केस में होगा, अदरवाइज देखो आप अगर कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पर लिखेंगे इन जनरल नॉट इक्वल है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर तो हम इक्वल इसको बना सकते हैं, क्योंकि देखो टी ऑफ यू का पहला एलिमेंट X1 मोड है, टी ऑफ वी का X2 मोड है और टी ऑफ यू प्लस वी का X1 प्लस X2 मोड है, तो यहाँ पर ये चीज़ नॉट इक्वल आ रही है। जैसे ही हमने X1 की वैल्यू, मान लो मैं आपको बता रही हूँ एक एग्जाम्पल इक्वल क्यों नहीं है सो डैट आपको और क्लियर हो जाए, X1 को कुछ भी ले लो नेगेटिव वैल्यू और X2 को कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लो 5, तो X1 प्लस X2 क्या आएगा? 4 का मोड, और इस तरफ क्या आएगा? 1 प्लस में 5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों नॉट इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास नॉट इक्वल वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ क्लियर हुई कि हमारे पास मोड के केस में अगर आपके पास किसी भी एक एलिमेंट का मोड आ रहा है और फील्ड पूरी की पूरी रियल है, फील्ड भी देखना ज़रूरी है, अगर यहाँ पर फील्ड ही पॉजिटिव इंटीजर्स होती
तो आपके पास एजेस ट्रू हो जाती। बट अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके अंदर फील्ड आर है, तो यहाँ पर आपके पास टी ऑफ यू प्लस वी इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी आ गया, यानी कि पहली ही कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस मैप इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एलटी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर, जो इसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल है आपके बुक के अंदर डेरिवेटिव वाला, उसको देखते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आपके पास सॉल्व होगा। देखो इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है, लेट पी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ओवर रियल नंबर्स, देन द फंक्शन टी पी टू पी फ्रॉम पी टू पी डिफाइंड बाई टी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पी एक्स, पी एक्स बिलोंग टू पी। सबसे पहले तो हम लिखेंगे टी ऑफ पी आपके पास डिफाइन किस तरीके से, डेरिवेटिव वाली ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ठीक, पी आपके पास क्या है, ध्यान दीजिए पी आपके पास है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ओवर द रियल नंबर्स। तो अब आपके पास पी से पी पर है और पी हमारे पास वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, तो जैसे हम जब R3 टू R3 हुआ करता था और हमें कोई एलिमेंट्स लेने होते थे डोमेन के अंदर से, तो हम R3 के ही लेते थे। बट अभी यहाँ पर क्या है, हमें जो एलिमेंट्स चाहिए वो डोमेन के चाहिए, और डोमेन क्या है, पॉलिनोमियल्स की, तो हम एलिमेंट भी क्या लेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एंड पी एक्स सॉरी वी एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स, यू और वी हमने क्या ले लिए, दो पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर वी एक्स आएगा। ठीक है, बिलोंग टू पी, डोमेन के अंदर से आपने दो पॉलिनोमियल्स ले लिए। ठीक है, अब देखो आपको पता है टी ऑफ यू एक्स आपके पास क्या आएगा, डी वाई डी एक्स यू एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास टी ऑफ वी एक्स क्या आएगा, डी वाई डी एक्स वी एक्स, और आपके पास टी ऑफ यू एक्स प्लस वी एक्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स यू एक्स प्लस में वी एक्स। ठीक है, और डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि डेरिवेटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में अलग हो जाता है, डेट इज डी बाई डी एक्स यू ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वी एक्स। ठीक है, यहाँ से आपको पता है ये चीज़ हमारे पास वैल्यू किसकी है, टी ऑफ यू एक्स की, और ये चीज़ हमारे पास किसकी वैल्यू है, टी ऑफ वी एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो गई फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन के लिए डेट इज ए इंटू यू एक्स, इसको आपने प्रूव करके दिखाना है ए इंटू टी ऑफ यू एक्स के। ठीक है, चलिए पुट कीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ए यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब डेरिवेटिव के केस में स्केलर बाहर आ जाता है और ये हमारे पास अंदर चला जाएगा, डी ऑफ यू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स, ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी किसकी वैल्यू है, टी ऑफ यू एक्स की, तो हमारे पास ए इंटू टी ऑफ यू एक्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। अब आपको देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, लीनियर ऑपरेटर चेक करना था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन और कोडोमेन सेम हो, इसमें दोनों ही पी है, दोनों ही पी है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर भी कहलाती है। सो हम ये कहेंगे सो टी इज अ लीनियर ऑपरेटर, और किस पर, पी पर। ठीक है, तो हमारे पास टी क्या आ गया, लीनियर ऑपरेटर आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जांपल नंबर फिफ्थ आपके बुक का। इसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में आपको खुद से चेक करना है कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या नहीं।
सिमिलर सा ही पैटर्न है, जैसे आपने ये क्वेश्चन किया तो अभी तक आप सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे आर टू आर थ्री में, ये डेरिवेटिव वाला था, तो मैंने सोचा इसका भी आपको सॉल्यूशन करा दिया जाए। ऐसे ही डेरिवेटिव आपको आ गया तो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। आप एक बार सॉल्यूशन देखते हैं उस बुक उसका बुक में से, वैसे तो इतने क्वेश्चन कर लिए तो अब आपको खुद से भी चेक कर सकते हो। यही दो कंडीशन आपको चेक करके दिखानी है, अगर ये दो कंडीशन वेरीफाई तो हम कह देंगे एलटी है, अदरवाइज एलटी नहीं है। ठीक है, अब ये तो थे आपके एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, आपको आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, ऐसे ही जो आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चंस के अंदर ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में वैसे एलटी चेक करने हैं, आप एक एक का निकाल के मत देखो। बट हाँ, रफली जो है मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपको एक बार ये पूरी एक्सरसाइज कर लीजिए, सो डैट आपकी इस टॉपिक पे कमांड बन जाए, क्योंकि आपके फर्दर सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो इसी एक चैप्टर के ऊपर बेस्ड हैं। ये चैप्टर खुद आसान है, बट हाँ अगर ये आपकी जैसे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे के भी चैप्टर्स आप इजीली समझ पाओगे। सेकंडली, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देते हो तो उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना बहुत कॉमन टॉपिक है, मतलब आता ही आता है, ठीक है, एग्जाम में आए ना आए, लेकिन जब भी आप उसके नोट्स देखेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के या कोई भी बुक फॉलो करते हैं तो इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि हाँ भाई इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आपको ये टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का, सारे पार्ट्स आपको करने हैं। जो भी पार्ट आपसे ना हो तो आप उसको कमेंट्स के अंदर भी बता सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर भी आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके इस एक्सरसाइज के डाउट्स और नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं, यानी कि वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म डेट इज़ 1 1 ऑन 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।